नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, ईएफटी प्रैक्टिशनर, एनएलपी ट्रेनर, लाइफ कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड एन एंजल हीलर। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे एक जो अभी कोविड वापस आ रहा है हमारी लाइफ में। हांगकांग में काफ़ी डेथ्स हो चुकी हैं, जर्मनी में काफ़ी इसने फैला लिया है और ऐसा लगता है कि अब धीरे 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 वर्ल्ड ओवर ये वापस चारों तरफ कोविड फैलने वाला है। तो आज मेरा सब्जेक्ट था रेकी हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है, रेकी हमें कैसे हेल्प करती है, किस तरीके से हमें रेकी से प्रोटेक्शन लेना चाहिए, हीलिंग लेनी चाहिए, ताकि ये जो टाइम होता है स्ट्रेस वाला, क्योंकि कोविड एक अपने आप में एक स्ट्रेसफुल वर्ड है। हमने ये तीन जो हमारी वेव्स आई हैं इंडिया में, तो हमें ऐसा लगता है कि जो सेकेंड वेव में तो बहुत डेथ्स भी हुई हैं और अब फोर्थ वेव की तैयारी है, तो कहीं ना कहीं हम मेंटली इमोशनली बहुत इफ़ेक्टेड हैं। जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है या ग्रैंड पेरेंट्स को खोया है या फ्रेंड्स को खोया है, वो हमारे दर्द को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने रिकवर भी किया है लेकिन इंटरनली हेल्थ पे इसका बहुत ख़राब प्रभाव पड़ा है। तो रेकी किस तरीके से कोविड में हमें हेल्प करती है, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने और मेरे भी एक्सपीरियंसेस हैं, और मेरे तो दो बार ही लाइक फर्स्ट एंड थर्ड वेव में दो बार ही कोविड हुआ। शायद मैं इस चीज़ को अच्छे से इसीलिए मेरी बॉडी ने झेल लिया, क्योंकि मैं हीलिंग अपने आप को देती रहती थी। तो रेकी सबसे पहले हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है। हम कोविड का नाम सुनते ही स्ट्रेस में चले जाते हैं, बॉडी हमारी स्ट्रेस मोड में चली जाती है। तो रेकी की एनर्जी जब बॉडी में फ्लो होती है, माइंड में जो न्यूरॉन्स में जाती है, तो हमारे माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करती है, एक कामनेस लेके आती है। जब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज नहीं होते तो हम फिट भी रहते हैं, हमें अच्छा भी लगता है और हम उस सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रेकी अगर हम सीख लेते हैं और रेकी को अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं, या अपने जो भी बच्चे हैं, आसपास के लोग हैं, उनको मदद करने के लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ ये दो कामिंग हैंड्स उनके ऊपर लगाएंगे और हीलिंग फ्लो होने लग जाती है। इस ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट इट इज़ वेरी पावरफुल। एज आई ऑलवेज से कि जब डॉक्टर्स असर नहीं कर पाते, ये रेकी हमें बहुत हेल्प करती है। तो रेकी अभी जब कोविड का टाइम है, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमारे तीन एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, तीन जो भी वेव्स आईं, तो अभी फोर्थ वेव में हमें क्या करना चाहिए, हमें रेकी लेनी चाहिए, रेकी सीखनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को रेकी दे सकें, काम रह सकें। लोग मुझसे पूछते हैं आप इतने टफ सिचुएशंस में होते हो तो आप कामली कैसे हैंडल करते हो, मुझे कुछ और इसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि रेकी ने मेरे अंदर बहुत कामनेस लेके आई है। जब मैंने रेकी सीखी नहीं थी और जब मैं पहली बार रेकी सीखी और रेकी अपने ऊपर अप्लाई करने लगी, तो एक सेंस ऑफ कामनेस आई, एक सेंस ऑफ बोल्डनेस आई, स्ट्रांगनेस आई, नो आई कैन फेस द सिचुएशन एंड द टाइम शैल पास टू, जो भी है, जो भी समय है वो अपने आप निकल जाएगा, तो मुझे वो स्ट्रेस फील नहीं होता। मैं देखती हूँ जब अपने आसपास छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस होते हुए, आज की यंग जनरेशन की भाषा में वो कूल वर्ड जो यूज़ करते हैं कि आप कूल कैसे रह सकते हो, तो रेकी ने मुझे हेल्प किया कैसे कूल रहना चाहिए, कैसे सिचुएशंस में अपने आप को काम रखना चाहिए, कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। और अगर किसी मोमेंट में हम स्ट्रेस आउट हो भी गए, तो रेकी से मोमेंट में ही हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। कोविड की तैयारी के लिए जब हम मास्क लगाते हैं और चीज़ें प्रोटेक्शन लेते हैं, तो मेरी सलाह ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेकी सीखें, रेकी को स्प्रेड करें, रेकी एनर्जी चारों तरफ फैलाएं, ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और यूक्रेन में जब वॉर हो रहा है इतना ज़्यादा, तो बैठ के कुछ पल रेकी हीलिंग दें, ताकि वहाँ के लोगों में भी मन में शांति आए, कुछ हम इस दुनिया में कुछ अपना योगदान दें पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आशा करती हूँ आप समझे होंगे कि रेकी हमें इस समय कैसे प्रिपेयर करती है, जो वर्ल्ड ओवर पेंडेमिक की सिचुएशन है उसके अंदर। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है रेकी के बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो टोरंटो में हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट नंबर में। दैट्स इट, रेकी के बारे में आज मैं इतना ही कहूँगी। मेरा नंबर है 9820127053। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।